अच्छा आप तीनों आए हो, आप किरण जी को नहीं लेके आए? किरण जी आई नहीं। अच्छा मैं समझ रहा था, नहीं नहीं ठीक है। एक बंदा होना चाहिए जो कुर्सी पे ध्यान रखे पीछे, नहीं तो आजकल ना ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, खाली कुर्सी दिखे ना लोग आगे बैठ जाते हैं। पर अच्छा किया आप किरण जी वहां ध्यान रख रही है ना कुर्सियों का। अपनी कुर्सी संभाल तू बस, हाँ औरों की चिंता मत कर। अंजना जी सॉरी। अरे अभी मुझे भी करना चाहिए, पुरानी दोस्त हैं। मतलब मैं यहां तक आई गई तो इनको भी मिल लूं यार। यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। अर्चना जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लग रहा हूं। ओह लुक एट योर जैकेट। अब जब यहां तक आई गई हो तो हाय हाय। गेस्ट तो ऊपर आए रहते, आपने फुटवेयर दिखाने थे अपने। अर्चना जी हाउ इज आर्यमन? सी ऑन इंस्टा। या रिमेंबर दैट फोटोग्राफ यू टुक? ही वाज सो टाइनी। ही वाज हियर। नाउ आई सी ऑल दीस किड्स, नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग ओल्ड। नो आई सी देम ग्रोन अप। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर यू इवन अलाउड टू से। नो बट आई एम सीइंग यू नो यू देन यू रियलाइज ओ माय गॉड इतने साल गुजर गए। आई नो crazy. Are you guys done with your English? Shut up. और बादशाह बाजी आप आ रहे हो कहीं से कि मुंबई में थे? सोच रहा है ये सुबह का टाइम इज वेरी नॉट हिज टाइम। तो आज किसके कहने में सुबह शूटिंग रखी गई है? हमें भी ज्यादा कोई मॉर्निंग अच्छी लगती है। ये जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। अच्छा हाँ हाँ चंडीगढ़ नहीं जोधपुर जा रहा हूँ। अच्छा कितना छापोगे यार? मैंने तो मनोज जी का भी सुना था कि इनको भी एक बजे फटाफट निकलना है और घर जाके जरूरी काम से सोना है। मैं सोच रहा था थोड़ा माहौल बनेगा, मूड बनेगा। माहौल क्या बनाए, हम वाइन खोल लें इधर क्या करें? कपिल मत खोलो, पता चला और दो तीन ट्वीट आ जाएंगे। दो चीजें ना, मोबाइल खोल के मोबाइल बंद कर लो, सबकी चलेगी। हेलो हेलो हेलो, वाइन की बात सुन के साउंड ऑफ। हेलो हेलो हेलो, आ गए आ गए। हां जी जी मनोज जी, साइड टेक्निकल इश्यू इज लॉस्ट टू हिम, सो प्लीज। क्या अब क्या हो गया? क्या हो गया विवेक कंट्रोल रूम? क्या हुआ पता नहीं, और सारे जल्दी उठाए ना, समझ नहीं आ रहा है। ये से साइड हां हां ये गया हमारा स्पोंसर वो है ना, कौन था आप बताएं? राइट राइट, कोई और फोन है ना, ये प्रॉब्लम है। और किसी के जूते वूते जैकेट उतरवानी हो? ओहो सिर्फ मुझे ठंड लग रही है कि नहीं नहीं, इट्स फ्रीजिंग ऑन दैट सोफा। बट व्हाई व्हाई, मैं जानती हूँ मैं हॉट हूँ, लेकिन इसको इतना ऊंचा करना, मतलब आपके ऊपर सीधा तो नहीं आ रहा है? पूरा आ रहा है, मतलब कुकड़ हो चुकी हूँ मैं। कितनी हंसी निकली थी, वर्ड्स ही नहीं निकल रहे मेरे, फ्रीज होके बाहर आएंगे। वो ऐसे देख के खुश है चिल्पा चट्टी। हो गया टेक्निकल इशू ठीक? ये बड़ा डर लगता है जब सारी ऑडियंस आपको 200 आदमी ऐसे देख रहा होता है ना। मैं तो देखता नहीं इस तरह, टेंशन आ जाती सीरियसली। देखो सारे देख रहे हैं आपकी तरफ, चार लोग अपने आसपास देखो ना। आ जाओ मम्मी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ मेरी माँ, बेटे का शो है, लेट ही आती रहती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा मम्मी सुबह मुझे पूछ रही है आज सुबह का कॉल टाइम है, मैं कहा आपको क्या, आप आराम से आप। वो तो वो सुबह मम्मी नमस्ते से माँ कबूजी एक्शन। मनोज एग्जैक्टली चाय जब मांगी थी क्या बोला था तुमने? एक मृतका पात्र में, मतलब क्या मित्र का? मिट्टी के प्याले में। अच्छा एक मृतका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त दूध और चाय मिला हुआ, उष्म पेय गरम पीने का पदार्थ प्रदान किया जाए, दिया जाए। वाह वाह, मैं कभी चाय नहीं पीता। मृत पात्रिका में उष्म पेय शर्करा एवं दुग्ध डालकर हमारा स्नान करा दो, हाँ जो भी। वाह वाह यार, देखो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं हम आए क्यों हैं यहाँ पे? सुन इनकी शायरी सुन। हाँ।
एक बार ना मैंने देखा एक एपिसोड में एक सिंगर और रैपर की जोड़ी आई, तो बादशाह पाजी ने सिंगर को सिलेक्ट कर लिया, रैपर को कैंसिल कर दिया। तो आपको उसका रैप पसंद नहीं आया था कि आपको गुस्सा आया कि एक हलवाई की दुकान के सामने ये क्यों अपने समोसे की दुकान खोल रहा है? लोगों को लगता है अर्चना जी कि मैं डीवा हूँ, इन दोनों के बीच में बैठी हूँ। असली डीवा कौन है मनोज जी? बोलिए, सच्चाई बाहर आ जाए। चलो दीवा बुझा दो ये वाला। मैं कैसे? सबसे लेट ये आते हैं। हाँ, हम सबसे बड़ी टीम इनकी है। बाल बनाने के लिए दो लोग हैं। मेरी भाई सिर्फ एक गलती है, मैं ना जवाब नहीं देता वापस किसी को, इसलिए जो लोग बोलते हैं मैं सुनता रहता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा हमेशा सबसे पहले आता हूँ, वो बात अलग है, मैं वैनिटी में सो जाता हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा कि शो पर किसी को अगर आपने डांट दिया या रिजेक्ट कर दिया तो उसका यू नो अनयूजुअल रिएक्शन आया कभी? एक भाई साहब आए थे हमारे शो पे जिन्होंने अपने पूरी दाढ़ी मूछों में बहुत सारी मोमबत्तियां लगाई हुई थी, छोटी 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 कैंडल्स, और सारी कैंडल्स उन्होंने आके स्टेज पे जला ली। ओके, अब वहां किरण जी का पल्लू उड़ गया, ये कौन सा टैलेंट है, क्या लेके आ गया है? जला के ना डांस करा रहा उनसे। हां, वो मूछों को डांस करा रहा था आपके साथ। Exactly. के साथ ए, 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 और हमको लग रहा था वो आम को उसके आईलैश उसको नहीं लगा। अरे उनको अवार्ड वुड भी मिले हुए थे, दिक्कत तो ये थी हमें अपने पे शक होने लगा कि यार हमें टैलेंट पता नहीं पता। फिर हुआ ये कि वो मोमबत्तियां नचाने लगे अपनी, वो अच्छा ऐसे करके वैसे करके जैसे ये दिखा रही थी, आप भी ट्राई कर। मोमबत्ती ऐसे ऐसे करके इधर अंदर गिर जाती तो हाँ तो गिर गई ना, ऐसा टैलेंट बाहर आता ना। ऐसा ऐसा यही हुआ। यही हुआ, आप तो मतलब अंतर्यामी हो। हाँ, क्या हुआ? ये कि मोमबत्ती से उनकी दाढ़ी में आग लग गई। चिल्पा जी ने ओवर रिएक्ट किया उस पे, अरे बाप रे दाढ़ी में आग लग गई। ये भागी वहां से मुझे धक्का वक्का देते हुए। और इसके बाद जो हुआ वो मजेदार है। क्या? इसके बाद किरण जी को गुस्सा आ गया, ये क्या टैलेंट है, आग लगा ली, यहाँ लगा ली, वहां लगा ली, इसमें क्या टैलेंट है? हाँ। तो मैंने किरण जी को समझाने की कोशिश की, छोटा बच्चा हूं पर समझाया उनको। मैंने कहा किरण जी देखिए टैलेंट है, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि उनकी आग शिल्पा शेट्टी ने बुझाई है। वही सोच रहा था बाहुबली की गाना इन्होंने लिखे ना। क्या ऑडियंस है हमारी यार, ऐसी होनी चाहिए ऑडियंस। जी जी, ये हमें IGTV क्यों नहीं मिलती? हमने सालों से बिठा के रखे हैं, ये हम जान नहीं देते। अच्छा मैंने देखा दुपट्टा डांसर में तो शिल्पा जी को किसी की परफॉर्मेंस पसंद आती थी, सीढ़ी पे चढ़ जाती थी। अब ये टेबल पे चढ़ के हुनर सलाम करती हैं। इसके पीछे कोई सुपरस्टिशियस है आपका कि मैं टेबल पे चढ़ूंगी तो TRP भी ऐसी चढ़ेगी, ऐसा कुछ? अभी टैलेंट का जब लेवल इतना ऊंचा होता है तो ये तो बात, खड़े रह के तो कभी ऊंचे ऊंचे जज रखते हैं। आप इतने लोगों को जज करते हैं, आज हम आपको कुछ आवाजें सुनाएंगे, आपको जज करनी है कि ये किसकी आवाज है, पहचाननी है, गेस करना है साउंड। ठीक है, आपको लाफ्टर साउंड सुनाऊंगा। जी प्लीज सुनाया जाए। आपका नहीं है। एनी आईडिया? मेरी आवाज तो नहीं है और ना ही है अर्चना जी की आवाज है। नहीं फिर गेस कर पा रहे आप? ओके दिखाइए किन की आवाज है। फरा खान की आवाज भी हंसने की। यार मुझे एक बात बताओ, हमें क्यों पता होगी ये उनकी आवाज? Exactly. तो फिर क्या करें, हम शो बंद कर दें? सारी रात जाग के हमने क्रिएटिव सोचा है यार, अगली आवाज सुनाई जाए। मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। मेरे को पता है कौन है। Again, it sounds like Farah to me. Any idea? Anushka Sharma? Anushka ऐसे थोड़ी हंसती है। दिखाइए किनकी आवाज है? ये गोविंदा जी की वाइफ। गोविंदा जी की। हाँ। ऐसी बिल्कुल ऐसे हंसते हैं। उनकी हंसी में कुछ बात है, खुलापन है। और दिखाइए। और। गोविंदा जी। आइए गोविंदा जी। गोविंदा जी हाँ। दिखाइए गोविंदा सर, वी लव यू। इनका कहना है गोविंदा, सुनाइए शत्रुघ्न सिन्हा साहब की आवाज थी। यस यस यस।
और अगली बात सुनाइए। आलिया 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 ही एक नंबर से बादशाह जीतते हैं। क्या जीते हमको खुद नहीं मालूम।